सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। सो आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सो फ्रेंड्स, आ गए आपके लिए एक और नया वीडियो के साथ, जो कि ये वीडियो भी काफी पिछले तीनों वीडियो की तरह इंटरेस्टेड होने वाली है। और अभी तक आपने मेरे पिछले तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो उस तीनों वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाके आसानी से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इससे यही जाहिर होता है कि आपको भी आपके चैनल पे बूस्ट कैसे चाहिए, आपके चैनल पे कैसे सब्सक्राइबर बढ़े, आपके चैनल के कैसे व्यूज बढ़े, वो आपको जानना है। सो फ्रेंड्स, ये तीनों ट्रिक्स जानने के लिए सबसे पहले आप उस तीनों वीडियो को देखें, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो ये तीनों ट्रिक क्या है, ये तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने ही वाला हूँ। उससे पहले और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम आपके लिए कोई वीडियो लाएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले पहुंचे। सो गाइस, तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपने क्रोम ब्राउजर में यूट्यूब स्टूडियो को ओपन कर लेना है। सो गाइस, तो चलिए अपने क्रोम ब्राउजर में यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। सो गाइस, जैसा कि हमारा YouTube स्टूडियो ओपन हो चुका है, देन आप जैसे YouTube स्टूडियो पे ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, देन आपके सामने जो मेन उसका पेज होगा वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। देन आप देख पा रहे होंगे कि आपको साइड कॉर्नर में अर्का जूम करके सबसे नीचे आपको जस्ट ऊपर आपको एक कस्टमाइजेशन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। देन आपको क्या करना है कि उस कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आप जैसे उस कस्टमाइजेशन वाले क्लिक करेंगे, देन आपको उसमें तीन सेक्शन मिलेंगे। देन आप देख पा रहे होंगे कि आपको एक लेआउट का ऑप्शन मिलेगा, एक ब्रांडिंग का ऑप्शन मिलेगा और एक चैनल इन्फो का या फिर बेसिक इन्फो का ऑप्शन दिखाई देगा। देन आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको लेआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप जैसे कि लेआउट वाले ऑप्शन पे देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहला ऑप्शन होगा कि चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब, और दूसरा होगा कि फीचर्ड वीडियोस फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वाले में आप वैसा वीडियो लगा सकते हैं, जैसे कि आप सपोज नया वीडियो एक लॉन्च किया है और उस वीडियो पे आपके अच्छे व्यू आ रहे हैं, तो आप वो सबसे पहले वाले में आपको जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उस पर लगा सकते हैं, ताकि कोई भी सब्सक्राइबर आपके चैनल को ओपन करें, देन देखें कि हाँ नया वीडियो लॉन्च हुआ है अभी अभी यही और इस पर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो वो वीडियो आपके जो सब्सक्राइबर है वो देख सकते हैं। और देन सेकंड वाले में जो फीचर है, जिन्होंने आपका चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उसमें आप ऐसा वीडियो लगाएं जो कि आपके हाईएस्ट व्यू गए हो। ऐसा करने से ये होता है कि आपके जो चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं सब्सक्राइबर, वो तो जान ही जाएंगे कि आपके चैनल पे नया वीडियो आ चुका है, और जो आपके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़्यादा व्यू देख के ये भी समझ सकते हैं कि आपका कंटेंट जो है वो अच्छा है, तो वो आपके वीडियो को भी पसंद करेंगे, आपके वीडियो को भी लाइक करेंगे, आपके वीडियोस पे ऑटोमेटिक व्यू और सब्सक्राइबर आने शुरू हो जाएंगे। सो ये तो थी सिर्फ लेआउट की। देन सेकंड आपको जो है वो है ब्रांडिंग। देन ब्रांडिंग में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको चैनल का लोगो एक सबसे अच्छा लोगो रखना है। देन आपको आता है चैनल का बैनर इमेज, ये बहुत इम्पैक्ट करता है आपके चैनल को, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा तभी आपके व्यूअर जो है वो देख पाएंगे कि आपके चैनल के जो है वो लोगो भी ढंग के और आपकी बैनर भी अच्छी है, तो लोग ये देख के भी सब्सक्राइब करते हैं आपके चैनल को, क्योंकि आपका लुक्स आपके कपड़ों से मैटर करता है, वैसे ही इसका चैनल्स का लुक आपके बैनर से मैटर करता है। देन सबसे नीचे आता है आपको एक सब्सक्राइब का बटन, जहां आप अपने चैनल के लोगों को सेट कर सकते हैं, ताकि आपके वीडियोस को अगर कोई भी लोग देखें तो आपके चैनल का ब्रांडिंग नीचे दिखाई दे, ताकि लोग जाने कि हाँ हम इस चैनल के वीडियो को देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई आपके लेआउट और ब्रांडिंग की। देन लास्ट वाला जो आता है वो होता है बेसिक इन्फो। देन ये तो सबसे ज्यादा आपकी चैनल को इफेक्ट करती है, इससे चैनल आपके बहुत ग्रो होने के भी चांसेज हो जाती है। सो फ्रेंड्स, बेसिक इन्फो में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि आपका नाम क्या है और आप क्या अपने चैनल पे शो कर रहे हैं। आपका अगर टेक्निकल का चैनल है तो आपका टेक वहाँ लिखना है, आपका गेमिंग है तो वहाँ गेमिंग का, या फिर आप जो भी एडिटिंग करते हैं, आपका जो चीज़ का भी चैनल है आपको सबसे पहले वहाँ शो करना है। देन आपको क्या करना है, आपको अच्छे से बेसिक इन्फो में भरना है कि हाँ मैं ये हूँ और मेरे चैनल पर आपको ये शो होती है, आपको ये दिखाई जाती है, और मैं यहाँ आपको हर टाइप्स की वीडियो दिखाता हूँ या फिर जो चीज़ भी आप करते हैं। देन आपको अपने डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है कि आपको इंस्टा का लिंक या फिर FB लिंक, जहाँ से आपके व्यूअर जो है, आपके सब्सक्राइबर हैं, आपको कॉन्टैक्ट कर सके,
अगर उनको कोई दिक्कत हो। और देन आपको वहाँ मेल आईडी भी देनी है ताकि कोई वीडियो अगर वायरल हो जाए, सपोज आपकी कोई वीडियो अचानक से वायरल हो गई, देन आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है। आपको कोई जो कंपनी वाले हैं आपके चैनल पे आपको देखेंगे कि हाँ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, देन आपको वो उस मेल आईडी के थ्रू आपको संपर्क भी कर सकते हैं, देन इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। सो गाइज, तो यही थी वो तीन टिप्स जिससे आपके चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो इस तीनों टिप्स का आप यूज़ ज़रूर करें, आपको चैनल पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए कोई भी वीडियो लाएँ तो वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो गाइज, मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।